बच्चों हम पेशे की बात कर रहे थे अब हम जानते हैं कि पेशा क्या है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है या उसका अर्थ क्या है पेशा यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रोफेशन क्या आप बता सकते हैं कि आप पेशे से क्या समझते हैं एक जनरल लोगों के मन में एक ख्याल आता है पेशा मतलब डॉक्टर वकील इसके अलावा नर्स और ऐसी प्रोफेशंस जो कि जॉइन करते हैं लोग और ये क्या करते हैं ये एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके ही पेशे को अपनाते हैं अब अगर हम इसके अर्थ को विस्तृत रूप से देखें तो हम इसे एक अच्छी भाषा में इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो पेशा होता है वह जो व्यक्ति है वह उसकी विशेष ज्ञान चातुर्य एवं कुशलता से प्राप्त करके वो अन्य व्यक्तियों को अपनी कुशलता और पेशे के अनुसार क्या करता है सेवा प्रदान करता है अगर हम एक परिभाषा देखते हैं जो कि सर वेबस्टर ने दी है उनके अनुसार पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश मार्गदर्शन या परामर्श देता है अब ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पेशा क्या है पेशे से आप एक जनरल लैंग्वेज में परिभाषा बता सकते हैं कि पेशा क्या है एक व्यवसाय है ठीक है एक ऑक्यूपेशन है एक प्रकार का कार्य है जिसमें क्या होता है जो व्यक्ति उस पेशे को अपनाता है उस हिसाब से वो ज्ञान अर्जित करता है अपने आप में वो कौशल निर्मित करता है अपने कार्य को एकदम कुशल बनाता है और इस कार्य के तहत वो क्या करता है लोगों तक अपनी सेवा देता है लेकिन इस सेवा के लिए वह क्या करता है कुछ शुल्क लेता है या कुछ चार्ज करता है क्योंकि कोई भी सेवा वह फ्री नहीं देता क्योंकि उसको भी तो कुछ अर्निंग करना है यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्थ की तो अर्थ वहाँ ज़रूरी है क्योंकि प्रोफेशन में भी पैसे लिए जाते अब देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रहते हैं तो उनको भी क्या मिलता है वो भी अपने ए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो मरीज़ों को चेक करते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको भी क्या मिलता है धन मिलता है ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पेशा या प्रोफेशन क्या होता है एक व्यवसाय है जिसमें क्या करता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और कुशलता और अपने विवेक का और अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए जो है लोगों को सेवा प्रदान करता है और बदले में उनसे कुछ शुल्क लेता है आइए अब इस परिभाषा को अच्छी तरीके से हमने समझ लिया अब इस परिभाषा को समझने के बाद हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि वे विशेषताएं क्या हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली विशेषता दी है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता जैसे कि मैं मैंने परिभाषा में भी आपको बताया कि विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है अब देखिए अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वे एम करते हैं एम करते हैं मतलब उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड वो ज्ञान का अर्जन करते हैं इसी तरह हम वकालत की पढ़ाई करने वाले वकीलों को देखें जो एल करते हैं तो इसके थ्रू क्या करते हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं उस क्षेत्र में अपने अपनी सत्ता या अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं ताकि जब वो लोगों को सेवा दे तो उनके पास उस पेशे का या उस क्षेत्र का भरपूर ज्ञान हो ठीक है हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं जो कि कहता है ज्ञान का उपयोग करना अब कोई भी व्यक्ति ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकता है या पेशे में ज्ञान का क्या उपयोग है अब जैसे डॉक्टरी पढ़ाई जिसने की हुई है उसने जो नॉलेज या ज्ञान हासिल किया है वह उस हिसाब से मरीज़ों को देखता है अब डॉक्टर के ही पेशे में देखें तो आप बहुत सारे अलग अलग तरह के डॉक्टर्स को देखते हैं जैसे हुआ साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं ठीक है उसके बाद जो होते हैं वो पीडियाट्रिशियन जो होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो अलग हैं डेंटिस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं इसके अलावा हम कह सकते हैं जो हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं वो अलग होते हैं जो नर्वस सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं वो अलग होते हैं मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में ही देखिए कितनी अलग अलग तरह के ज्ञान वो या कितने अलग अलग क्षेत्र में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं अब कॉमनली जो होगा जो इन डॉक्टर्स को कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता है या कॉमन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जनरल सर्दी ज़ुकाम बुखार का जनरल दवाइयाँ दे सकते हैं लेकिन जो विशेष समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि हड्डियों का रोग होता है या हाथों का फ्रैक्चर हो जाना या दांतों में दर्द होना या इसके अलावा आँखों में समस्या आना ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये उनके लिए क्या करते हैं अपनी ज्ञान का उपयोग करते हैं उसके लिए विशेष तरह की पढ़ाई करते हैं तो ये तो एक उदाहरण था डॉक्टरी का जो मैंने आपको दिया इसके अलावा भी अन्य उदाहरणों के माध्यम से इस ज्ञान के उपयोग का होने को समझ सकते हैं हम तीसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं तीसरी विशेषता कुछ इस प्रकार है जो कहती है व्यक्ति कार्यकुशलता अब व्यक्ति की कार्यकुशलता कब आ, समझ में आती है ये तभी समझ में आती है जब उस व्यक्ति में सेवा की भावना हो और वो सेवा की भावना के साथ साथ अपने कार्य को कितने लगन से और समर्पित भाव से करता है तो यहाँ पर व्यक्तिक कार्य कुशलता आपकी समझ में आती है या उस पेशे को अपनाने वाले उस व्यक्ति की समझ में आती है आगे हम चौथे विशेषता की ओर बढ़ेंगे चौथी विशेषता कहती है सेवा की भावना सेवा की भावना बहुत ज़रूरी है आपने जो अपना प्रोफेशन अपनाया हुआ है आपने जो अपना पेशा अपनाया हुआ है उसके अंतर्गत आपने जो ज्ञान अर्जन किया है आप अपने ज्ञान से किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं पांचवी विशेषता की ओर जो कि कहते हैं पेशेवर संस्था की सदस्यता अब देखिए ऐसे कई पेशेवर संस्थाएं होती हैं जिसकी सदस्यता लेना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट बिंदु जो कहता है सम्मान एवं प्रतिष्ठा आप देखिए आप सम्मान एवं प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं हम एक जनरल डे टू डे लाइफ में या दैनिक जीवन में देखें आपको एक टीचर के लिए अलग सम्मान की भावना रहेगी एक शिक्षक के लिए अलग सम्मान देते हैं डॉक्टर को आप जो जो आपकी बीमारियों से आपको या आपके फैमिली के लोगों को उबारता है उनके लिए आपके हृदय में अलग सम्मान होता है ठीक है और इसके अलावा कोई वकील अगर आप घर अगर अगर वालों को या आपके फ्रेंड्स को अलग विभिन्न समस्याओं से निकालता है तो उसके लिए आपके मन में अलग सम्मान होता है और उनके अच्छे कार्यों के कारण ही क्या होता है उनकी कुशलतापूर्वक कार्यों के कारण ही लोगों के मन में जब वो सेवा देते हैं लोगों को तो लोगों के मन में क्या होता है उनके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती चली जाती है हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं या अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं जो कि कहती है आचार संहिता का होना देखिए आचार संहिता मतलब क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट हर कार्य का हर पेशे का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है मतलब कोई भी कार्य वैधानिक रूप से होना चाहिए तो हर पेशेवर को अपने कार्य को वैधानिक रूप से करना चाहिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसके अनुसार ही करना चाहिए और अंतिम जो विशेषता आती है वो है शुल्क शुल्क की हम बात करें तो जो शुल्क होता है जो पेशेवर होता है जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया सेवा तो लोगों को देगा ही लेकिन उसके बदले में वो फीस लेता है जो उसने चार्जेस पहले से डिसाइड किए हुए हैं जो उसने पहले से अपनी सेवा देने के लिए अपने शुल्क तय किए गए हैं उस निर्धारित शुल्क के अनुसार वह शुल्क लेता है तो बच्चों इस तरीके से हमने पेशे को समझा यानी प्रोफेशन को समझा उसके अर्थ को जाना और उनकी कुछ विशेषताओं को जाना आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ पेशे और उन पेशेवर संस्था की सदस्यता लेने के लिए उन संस्थाओं के नाम इस स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं रोजगार की तरफ रोजगार यानी क्या होता है एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कोई हर कोई जानता है क्योंकि रोज़गार एक ऐसी आवश्यकता बन गई है जिसके द्वारा सामान्य व्यक्ति जो है अपने दैनिक जीवन के लिए निधि को एकत्रित करता है ठीक है धन कमाता है और उससे अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करता है तो अब हम रोजगार या सेवा को समझें तो रोजगार क्या है इसमें क्या होता है जो आ, कंपनी का मालिक होगा वो अपने अंदर जो लोग होंगे उनको क्या करेगा वो रोज़गार देगा वो कैसे रोज़गार देगा उसमें जब वह उनको क्या करेगा का? कुछ काम देगा उस काम के बदले वो उसे उन लोगों को वेतन देगा या तनख्वाह देगा जिस हम सामान्य भाषा में कहें तो और अगर हम बड़ी कंपनियों में देखें तो जब ये रोजगार दिए जाते हैं तो उन्हें उनके लिए कुछ बॉन्ड बनाए जाते हैं उस बॉन्ड के अनुसार क्या होता है कि उसमें तय किया जाता है कि आपकी सेवा अवधि क्या होगी आपको किस तरीके के कार्य करने हैं आप इस कंपनी के साथ कितने साल तक जुड़े रहेंगे इसके बाद अगर जुड़ा रहना है तो ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है बट अगर जो ड्यूरेशन दिया है उस बीच उन्होंने उस एम्प्लॉय ने या उस, उस कर्मचारी ने छोड़ा तो उसके लिए कुछ पेनल्टी फ़ाइन होती है तो इस तरीके से रोज़गार को हम समझ सकते हैं और हम ये भी देखते हैं कि रोज़गार में क्या होता है जो रोज़गार देने वाला व्यक्ति होता है उसमें पूरा मैनेजमेंट काम करता है प्रबंधन ठीक है उसमें जो प्रबंधन कार्य करता है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम अलॉट करता है या कार्य देता है उससे क्या होता है जब कार्य दे दिया जाता है और उस कार्य की पूर्ति हो जाती है तो उस कार्य की पूर्ति होने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने लोगों को वेतन दिया जाता है तो इस तरीके से ये रोजगार या सेवा जो है या ये एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट कार्य करता है अब इस अर्थ को जानने के बाद हम आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं है जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है पहली विशेषता कहती है कार्य का प्रारंभ कार्य का प्रारंभ कैसे होता है इसमें जब भी कोई व्यक्ति रोजगार के लिए जाता है तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कंपनीज उन्हें हायर करती हैं कुछ कंपनियां बॉन्ड भरवाती हैं उनसे कि भई आपको इतने ड्यूरेशन तक या इतने समय अवधि तक कालावधि अवधि तक हमारी कंपनी को सेवा देनी ही पड़ेगी और उसमें उनके सारे डिसीजंस दिए रहते हैं कि आपको हर महीने इतने इतना वेतन मिलेगा आपको इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी ये जो आपका रूटीन रहेगा अगर आपको फाइव डेज़ uh, वीक काम करना है तो पाँच दिन सप्ताह में अगर पाँच दिन काम करना है तो उस तरह के शेड्यूल भी इसमें मेंशन रहते हैं जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें उस बॉन्ड के अंतर्गत आती हैं और कार्य का प्रारंभ कब किया जाता है जो मैनेजमेंट होता है जो प्रबंधन होता है वो क्या करता है व्यक्ति को उसके ज्ञान के उसकी कुशलता के अनुसार ही क्या करता है कार्य को सुपुर्द करता है और जब वे व्यक्ति को कार्य मिल जाता है तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वह उस कार्य को करना प्रारंभ करता है जैसे कि कंपनी की नीड है कि उसे कार्य किस तरीके का चाहिए और कैसे चाहिए हम आगे दूसरे विशेषता की ओर बढ़ते हैं तो दूसरी विशेषता कुछ इस प्रकार है दूसरी विशेषता के अनुसार आदेशों का पालन करना मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या होता है अपने सारे इम्प्लॉयज़ को आदेश दे सकता है और इन आदेशों का पालन करना क्या होता है एक कर्मचारी का कर्तव्य होता है क्योंकि वह उनके अंडर काम कर रहा है इसलिए तीसरी विशेषता कहती है कार्य की प्रकृति अब कार्य की प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है या हम कह सकते हैं जैसे कि क्लर्क जो है क्लरिकल काम कर सकता है लेबर जो है या श्रमिक जो है वह अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं एक मैनेजर अलग तरीके का कार्य करता है तो कार्य की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार ही कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जो चौथी विशेषता है वो कहती है प्रतिफल की प्राप्ति प्रतिफल की प्राप्ति कैसे होगी जैसे मैंने बताया कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपनी सेवा देने के बाद उन्हें क्या मिलता है बदले में वेतन मिलता है यही हुआ उनका प्रतिफल इसके अलावा कंपनीज़ आजकल क्या देती हैं बोनस देती हैं इंक्रीमेंट्स देती हैं ये सारी चीज़ें किस में आती हैं प्रतिफल में आती है या आ, अलग से फैसिलिटीज़ देती हैं अगर आप देखें तो फैसिलिटीज़ में क्या क्या आती हैं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को आ, रहने के लिए रूम्स देती हैं या फिर उनका रूम रेंट पे करती हैं ठीक है उनको व्हीकल देती हैं पर्सनल व्हीकल कि वो आए जाएं या फिर उनको फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच के थ्रू काम करना फ्लेक्सिबल टाइम अप्रोच क्या होता है अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई विशेष काम है जिस वजह से आप अपने निर्धारित समय पर नहीं आ सकते तो उस समय क्या है आप आप अपना काम कर लीजिए लेकिन आपको उतने ही घंटे जितने घंटे की वर्किंग आपकी है उतने ही घंटे आपको कार्य करने पड़ेंगे तो इस तरह की जो प्रतिफल है वो मिलते हैं वेतन के अलावा ठीक है बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगला जो बिंदु है पांचवा बिंदु है वो कहता है जोखिम नहीं बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि व्यवसाय जो व्यक्ति शुरू कर रहा है वो मैनेजमेंट शुरू कर रहा है इसमें मैनेजमेंट के जो लीड रोल प्ले करेंगे या हम कह सकते हैं उस व्यवसाय का जो मालिक होगा या जो इम्प्लॉयर कह सकते हैं इम्प्लॉयर मतलब जो रोज़गार देने वाला व्यक्ति होगा वो ही अपनी निधि लगाएगा अब रोज़गार प्राप्त करने के बाद जो एम्प्लॉयिज़ या कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया है मतलब एम्प्लॉयर ने या मैनेजमेंट ने जो बिज़नेस शुरू किया है वो जो है वो चलेगा वो प्रॉफिट में रहेगा वो लॉस में रहेगा ये जो है जोखिम किसको उठाना पड़ता है वो पूरी तरह से उस कंपनी के मालिक को और उस कंपनी के मैनेजमेंट को उठाना पड़ता है उस कर्मचारी को नहीं उठाना पड़ता हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं अगली विशेषता कहती है पूंजी की आवश्यकता नहीं इसमें पूंजी की आवश्यकता कर्मचारी को नहीं है क्यों क्योंकि उसे कोई पूंजी नहीं लगानी है इसमें जो भी पूंजी लगाएगा वो उस कंपनी का मालिक ही लगाएगा ठीक है तो यहाँ पर कर्मचारी को पूंजी की आवश्यकता नहीं होती जो नेक्स्ट बिंदु है वो है उद्देश्य देखिए हर कार्य का उद्देश्य जैसे कि हम देख रहे हैं हम पेश हमने पेशा देखा हमने अब रोज़गार देख रहे हैं तो हर किसी का उद्देश्य क्या है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और अर्थ का अर्जन करना यानी निधि को कमाना धन कमाना तो हर प्रोफेशन हर रोजगार का उद्देश्य क्या है हर कार्य का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ धन को अर्जित करना हम अगली विशेषता को देखेंगे इसके बाद अंतिम विशेषता होती है समझौता अब समझौता क्या होता है बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नियुक्ता है यानी एम्प्लॉय या मैनेजमेंट जिन्होंने क्या किया है नियुक्त किया है कर्मचारियों को वो क्या करते हैं कर्मचारियों से एक बॉन्ड भरवाते हैं ठीक है ठीके? तो वहाँ पे एक समझौता बनाया जाता है और उस समझौते के अंतर्गत कर्मचारी से जो नियुक्त हो रहा है उसे सिग्नेचर लिए जाते हैं अप्रूवल लिया जाता है कि आपको ये समझौता तैयार करके दिया जा रहा है अगर आप इस समझौते के लिए रेडी हैं तो आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि रोज़गार जो होता है एक समझौते के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य है तो बच्चों इस तरीके से हमने व्यवसाय पेशा और रोजगार जाना आइए अब हम इनके बीच के अंतर को जानते हैं व्यवसाय पेशा तथा नियोजन या रोजगार में अंतर डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अंतर का पहला आधार हम लेते हैं कार्य का स्वभाव तो अब व्यवसाय में कार्य का स्वभाव देखते हैं तो व्यवसाय के अंतर्गत समाज के लोगों की पूर्ति के लिए वस्तुओं को प्रदान किया जाता है पेशा क्या होता है पेशे के अंतर्गत ज्ञान के द्वारा पीड़ित व्यक्ति व व्यक्तियों को सेवा प्रदान किया जाता है और नौकरी या रोजगार के अंतर्गत बुद्धि तथा कुशलता के आधार पर नियुक्ता का कार्य किया जाता है दूसरी प्रकृति या दूसरा अंतर का आधार देखें तो वह है उद्देश्य तो व्यवसाय में देखेंगे हम इसमें वस्तुओं को उपभोक्ताओं को प्रदान करके लाभ अर्जित किया जाता है और पेशे का उद्देश्य क्या होगा इसमें पीड़ित व दुखी व्यक्तियों को सेवा प्रदान करके पेशेवर आय प्राप्त करता है और रोजगार का उद्देश्य होगा इसमें स्वामी के आदेशानुसार कार्य करके वेतन या मजदूरी प्राप्त की जाती है तीसरी प्रकृति या अंतर का आधार देखें तो अहताए व्यवसाय में देखते हैं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है केवल व्यावसायिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह तो पेशे में देखें तो पेशे में विशिष्ट ज्ञान तथा उपाधि दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है और रोजगार में रोजगार के लिए सामान्य ज्ञान के साथ भविष्य में उन्नति हेतु तो उच्च पदों के लिए योग्यता अनिवार्य है प्रकृति या अंतर का आधार चौथा पूंजी देखें तो व्यवसाय में हम देखें तो व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है पेशे में इसके अंतर्गत प्रारंभ में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है या नाम मात्र होती है और रोजगार में इसके अंतर्गत कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती पूंजी को समझने के बाद आइए हम देखते हैं पांचवा अंतर का आधार पुरस्कार क्या है यह व्यवसाय में देखें तो व्यवसाय से प्राप्त होने वाले पुरस्कार को लाभ कहा जाता है और पेशे से प्राप्त होने वाले पारितोषिक को फीस शुल्क कहा जाता है रोजगार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पुरस्कार को वेतन या मजदूरी कहा जाता है छठवे अंतर का आधार हम जोखिम लेते हैं तो हम व्यवसाय में देखते हैं तो लाभ की अनिश्चितता के कारण व्यवसाय में जोखिम सदैव बना रहता है पेशे में अगर हम देखें तो चूंकि पेशे में फीस निश्चित होती है इससे जोखिम की मात्रा कम पाई जाती है और रोजगार में देखें तो नौकरी में वेतन या मजदूरी नियमित प्राप्त होती है अतः इसमें जोखिम का अभाव पाया जाता है सातवां अंतर का आधार विधि निर्माण देखते हैं तो व्यवसाय में हम अगर देखें तो व्यवसाय को नियंत्रित तथा संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून का सहारा लिया जाता है पेशे में हम देखें तो पेशे में केवल नाम मात्र कानून की आवश्यकता पड़ती है और नियोजन में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती है हम आठवें अंतर का आधार आचार संहिता लेंगे तो व्यवसाय आचार संहिता द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती और पेशे में आचार संहिता होती है जिसका पालन करना आवश्यक होता है और नियोजन में इसमें आचार संहिता स्वामी द्वारा तैयार की जाती है जिसका पालन किया जाता है नौवे अंतर का आधार प्रतिष्ठा लेते हैं तो इसमें अगर हम व्यवसाय में देखें तो इसमें विशिष्टता न होने के कारण व्यवसाय या व्यवसाय की प्रतिष्ठा कम पाई जाती है पेशे को देखें तो विशिष्टता कारण पेशे तथा पेशेवर की ख्याति व सम्मान पर्याप्त पाया जाता है और रोजगार में अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें तो इसमें उच्च पदों को छोड़कर सम्मान व प्रतिष्ठा कम पाई जाती है हम अंतिम अंतर का आधार स्थापना या विधि लेते हैं तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय की स्थापना कुछ वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करके की जाती है और पेशे की पेशे का प्रारंभ संबंधित पेशेवर संस्था की सदस्यता ग्रहण करके किया जा सकता है और रोजगार का प्रारंभ नियुक्ति पत्र प्राप्त करके किया जाता है तो इस तरीके से बच्चों हमने व्यवसाय पेशा तथा रोजगार में अंतर को जान आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं व्यवसाय और पेशे में समानता अगर हम देखें तो व्यवसाय और पेशे में क्या समानता है पहली बात ये दोनों मानवीय क्रियाएं हैं दूसरी बात ये दोनों आर्थ को अर्जन करने वाली या आर्थिक क्रियाएं हैं तीसरी चीज़ क्या है इसमें जो होता है जोखिम जो होता है जो, जो, जो व्यवसायी है और जो पेशेवर हैं अगर वो अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करते हैं तो इसमें क्या होता है जो उनका रिस्पेक्ट है जो सम्मान है वो लोगों के बीच में फैलता जाता है तो ये कुछ समानताएं हैं है व्यवसाय और पेशे में आइए अब हम जानते हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य या महत्व क्या है जैसे कि अभी तक आपने जाना कि व्यवसाय जो है एक मानवीय क्रिया है यह एक आर्थिक क्रिया है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अभी तक क्या जाना आपने कि अर्थ का अर्जन करना लाभ कमाना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना और इसके साथ साथ कुछ नई नई चीज़ों को क्या है इस एनवायरनमेंट uh, में लाना व्यावसायिक वातावरण में लाना इसके वा, अलावा अगर हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यवसाय के उद्देश्यों को जाने तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं व्यवसाय के उद्देश्य इन बिंदुओं के माध्यम से समझे जा सकते हैं पहला है आर्थिक उद्देश्य दूसरा है सामाजिक उद्देश्य तीसरा है मानवीय उद्देश्य और चौथा है राष्ट्रीय उद्देश्य आइए हम इन सभी उद्देश्यों को एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं बच्चों उद्देश्यों को अच्छी तरीके से समझने से पहले आइए एक परिभाषा देख लेते हैं जो सर पीटर ड्रकर ने दी हुई है उनके अनुसार बिना लक्ष्य के व्यावसायिक सफलता पाना कठिन होता है किस तरीके से जिस प्रकार बिना मार्ग के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता उसी प्रकार क्या होता है बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता मतलब जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य यानी गोल होना चाहिए उसे उस गोल को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहिए ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्यों की तरफ और पहला उद्देश्य हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वह है आर्थिक उद्देश्य अब ये आर्थिक उद्देश्य किसके बारे में बात करता है जो आर्थिक उद्देश्य होता है उनमें वो सभी चीज़ें आती हैं अर्थ का अर्जन कैसे किया जाए लाभ कैसे कमाया जाए ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं आइए हम इनकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं या इनके अंदर कुछ ऐसे बिंदुओं को देखते हैं जिनसे हम आर्थिक उद्देश्य को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पहला बिंदु है वो है लाभ प्राप्त करना किसी भी व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना वह किस तरह से लाभ प्राप्त करता है यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है देखिए बच्चों लाभ जो है वो दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं पहला जो प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है जो व्यक्ति पर्याप्त लाभ प्राप्त करके वह क्या करता है अपने लाभार्जन को इंजॉय करता है या उससे खुश रहता है अगर हम पहले लाभ को देखें जिसमें प्रथम जो कहते हैं अधिक लाभ कर प्राप्त करना है उनमें किन बिंदुओं को हम ले सकते हैं उनमें क्या ले सकते हैं हम कृत्रिम अभाव करना मुनाफाखोरी करना भ्रष्टाचार करना शोषण करना मिलावट करना इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं या उसके अंदर समझ सकते हैं और यदि हम पर्याप्त लाभ की बात करें तो उसमें वे लाभ आते हैं जो कि क्या होता है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए काफ़ी हैं या मार्केट में सस्टेन रहने के लिए काफ़ी हैं अब ये लाभ क्यों ज़रूरी है मुद्दा ये है क्योंकि लाभ जो है वो एक मोटिवेटर की तरह कार्य करता है किसी भी व्यवसाय के लिए अब मोटिवेटर मतलब प्रेरक अगर व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त नहीं होगा तो वो क्यों आगे बढ़ेगा किसी व्यवसाय को लेकर के तो जो ये लाभ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में क्योंकि किसी भी व्यवसायी को जब इनसे लाभ प्राप्त होता है तभी वो क्या करता है और अपनी कुशलता से और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और मन लगा कर क्या करता है उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है कोशिश करता है आइए एक परिभाषा देख लेते हैं जो कि सर प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है उनके अनुसार लाभ आर्थिक क्रिया के लिए मूलभूत प्रेरणात्मक शक्ति है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मोटिवेटर की तरह कार्य करता है जो व्यवसाय को मोटिवेट करता है कि वह अपने कार्य को और मन लगा करके और नई नई टेक्निक्स का यूज करके बहुत अच्छी तरीके से करें और लाभ अर्जन करें आइए हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं अगला बिंदु कहता है वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अब वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन से बच्चों क्या समझते हैं अगर आप आज के दृष्टिकोण में या आप आज के वातावरण में देखें तो हम देखते हैं कि हर पल यहाँ चेंजेस आ रहे हैं लोगों का टेस्ट बदल रहा है लोगों की फ़ैशन बदल रही है लोगों की पसंद बदल रही है चाहे वे कपड़ों के मामले में हो चाहे फर्नीचर के मामले में हो चाहे घर को डेकोरेट करना है वॉल पेंटिंग्स देखें आप या पर्दों की क्वालिटी हो या घर की साज सज्जा हो इवन आपके ऑफिस की साज सज्जा हो या ऑफिस में यूज़ होने वाला फर्नीचर हो आपका ड्रेस मटीरियल हो सारी चीज़ें बदल रही हैं तो एक व्यवसाय का इम्पोर्टेंट कार्य यह भी होता है या उसके आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत यह भी आता है कि वो मार्केट का ट्रेंड समझे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसी अनुसार अपने अर्थ को लगाए ताकि क्या होगा अगर फ़ैशन या ट्रेंड को छोड़कर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी वस्तु नहीं बिकेगी इससे क्या होगा उसको मुनाफ़ा नहीं उसको हानि होगी और उसका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उस मार्केट के ट्रेंड को उस मार्केट के फ़ैशन को उस समय की ज़रूरत को समझना ज़रूरी है कि उस समय उस मार्केट में उस आ, उस वातावरण में उस व्यवसाय में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर आता है वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अगर आप देखें फर्नीचर के क्षेत्र में देखें ऑफिस में ऑफ़िस के फर्नीचर्स को ही ले लेते हैं पहले जो फर्नीचर्स हुआ करते थे वो ओल्ड फ़ैशन हो गए हैं हालांकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है स्टिल अगर आप अगर नए फ़ैशन के फ़र्नीचर्स देखें तो उसमें आप उनको थोड़ा लग्जरियस पाएंगे लग्जरियस मतलब वो थोड़े एक्सपेंसिव मतलब खर्चीले होते हैं लेकिन वो आकर्षक भी होते हैं और इसके अलावा वो थोड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो आप उनके साथ एक साथ कई कार्य कर सकते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन जो है या सेवाओं का उत्पादन में व्यवसायी को अपना अर्थ यह देखकर लगाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में मार्केट में किस तरह का फैशन चल रहा है किस तरह का ट्रेंड चल रहा है या लोगों की पसंद क्या है हम अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे अगला बिंदु कहता है ग्राहकों का सृजन प्रेय क्रिएशन ऑफ कस्टमर मोटिव्स अब देखना यह है कि कस्टमर नहीं रहेगा तो क्या वो व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ग्राहक है वो पूरे मार्केट का राजा होता है बादशाह है वो क्यों क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई वस्तु उसे पसंद नहीं है तो वो उसे नहीं खरीदेगा और मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या उत्पाद है जो कि आज के दौरान लोगों को पसंद नहीं है तो वो उत्पाद ग्राहकों को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा तो व्यवसाय का यह भी एक आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि ग्राहकों को सृजन करना उनको प्रेरित करना ताकि वो आपसे मोटिवेट होकर के या आपके प्रोडक्ट से मोटिवेट होकर के आपकी ओर आकर्षित हों और आपके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीदें हम नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं अगला बिंदु कहता है व्यवसाय का विस्तार व्यवसाय का विस्तार कब होगा जब लाभार्जन होगा लाभार्जन कब होगा जब ऊपर के जो दोनों पॉइंट्स है कोई व्यवसायी ध्यान में रखेगा और उन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए क्या करेगा अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाएगा तो इस तरीके से क्या होगा व्यवसाय का विस्तार होगा अगले बिंदु की ओर चलते हैं नवपरिवर्तन यानी इनोवेशन इनोवेशन बच्चों आप जानते हैं कि आज के दौर में इनोवेशन कितना इम्पोर्टेंट है लोग हर पल नई चीज़ें चाहते हैं अपने आप को एकदम डिफरेंट एकदम दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा शो ऑफ का भी दौर है ये बात उत ही सत्य है लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो सभ्यता और सौम्यता के दायरे में रहकर भी जीवन जीना चाहते हैं तो ये जो दोनों डिफरेंसेस मैं आपको बता रही हूँ दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए अगर मैं नव परिवर्तन में आपको टीवी का ही उदाहरण दूँ तो जो टीवी के शुरुआत से आज तक की जो टीवी की क्वालिटी और टीवी रखने के तरीके और उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आया है वो आप सभी से वाकिफ हैं और यही नव परिवर्तन कहलाता है कि कहने का मतलब कि नव नई चीज़ें मार्केट में लाना जिससे क्या होता है लोग जो हैं या कस्टमर जो हैं या उपभोक्ता जो हैं इससे आकर्षित होते हैं और क्या होता है लोग इसके आकर्षित होकर के उसको ख़रीदते हैं आप फ़ोन का भी उदाहरण ले सकते हैं टीवी के साथ साथ आपने पहले फ़ोन देखा होगा फिर उसके बाद आपने देखा टेलीफोन जिसमें आप ऐसे रिंग घुमाते थे इसके बाद आपने देखा वो फ़ोन जिसमें आप बटन दबाते थे इसके बाद आपने फ़ोन देखा छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें भी वेराइटीज़ आई और अब आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स तो देखिए समय के साथ कितना परिवर्तन आया है तो इसी तरीके से ये जो दो एग्ज़ैम्पल मैंने दिए इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रवर्तन आया है और ये प्रवर्तन या नया नव प्रवर्तन आना या व्यवसायी को इन नए प्रवर्तनों को लाना बहुत जरूरी है मार्केट में बने रहने के लिए और लाभार्जन करने के लिए हम अगले बिंदु की ओर और अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं जिसे कहते हैं भावी जोखिम एवं अनिश्चितताओं के प्रति सुरक्षा अब देखिए मैंने आपको आर्थिक स्थिति या आर्थिक क्रियाएं जब बताई थी उसमें ये भी बताया था कि इसमें जो दो प्रकार की निधियाँ होती हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए एक निधि जिसको आप वर्किंग कैपिटल में तुरंत इन्वेस्ट कर सकें और एक निधि आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए कि इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो आपके पास वो कैपिटल या वो निधि सुरक्षित है कि आप वो लगा सकें और अपने व्यवसाय को बचा सकें इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कई बार व्यवसाय जो होता है तेजी काल में होता है तब इसमें कोई समस्या नहीं लेकिन जब व्यवसाय धीमी गति पर आता है तब वहाँ समस्याएं आती हैं या अगर क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं या वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं हम उसको नोटिस करें तो कई बार तूफान आता है कई बार बहुत बारिश हो जाती है अब हम कोरोना पैंडेमिक में ही देखें तो इस पेंडेमिक में क्या हुआ है कई चीज़ें जो हैं बहुत सारे व्यवसायियों को इसके लॉस का सामना भी करना पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशंस का सामना करने के लिए जो है व्यवसायियों के पास अपना एक जो है रिजर्व फंड होना बहुत ज़रूरी है ऐसा कोष होना चाहिए जिन्होंने सुरक्षित रखा है सुरक्षित निधि जिसे हम कहते हैं और उसका उपयोग वे समय आने पर करें तो बच्चों इस तरीके से आपने आर्थिक उद्देश्य यानी जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से जाना